हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, है ना। तो मेरे एनटीपीसी के दोस्तों, आज मैं फिर से आपकी अपनी प्रैक्टिस बैच में आ गया हूँ। तो चलिए अपनी प्रैक्टिस बैच को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो कॉपी और पेन उठाइए, फटाफट आगे चलिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी कॉपी पेन पर याद रखेंगे कि हम लोग कर रहे हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंतर्गत हम लोग मैथ्स की डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अपनी जो चर्चा हो रही है वो किस पर हो रही है, स्टेज सेकेंड, यानी आपके लिए वो क्या होगा, मेंस होगा। और इसमें हम आपके साथ अभी एलजेब्रा पर ही चर्चा कर रहे हैं। और आपको ये याद होगा कि अभी तक हम आपको इस पे पीछे पूरे के पूरे 12 क्लासेस दे चुके हैं। आज अपनी क्लास के अंदर ये 13वां सेक्शन होगा, सेशन होगा। तो चलिए आज 13वीं क्लास का एंजॉय करते हैं। और अब तक आप एलजेब्रा के एनटीपीसी के पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, चाहे इजी वाले आ रहे हैं चाहे टफ वाले आ रहे हैं, उससे बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में आप सभी को देखो, अगर एक अच्छी नॉलेज चाहिए, चीज़ों पर एक सही पकड़ हो बेटे, तो याद रखो कोई इजी या टफ सवाल नहीं होता। हर क्वेश्चन को ऑनेस्टी से सॉल्व करिए और इसके लिए जरूरी वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आप लोग देखिए। आप लोगों से एक छोटी सी बात रहती है कि भाई जब वीडियो को देखते हैं तो उसको पहले कंप्लीट चला कर देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर करिए ताकि अन्य दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। और दूसरा काम, ये तो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कम से कम दूसरों के काम आइए, शेयर करने में सेकेंड भर नहीं लगेगा आपको। इसके अलावा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपका कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही, क्लास कैसी लग रही, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है भाई। इससे क्या होगा, और सारे क्वेश्चन को एक साथ कलेक्ट करते अपना चले जाइए। देखो हमने चैप्टर वाइज इस नाते डिवाइड किया कि इसी बहाने आपका टॉपिक का भी रिवीजन हो जा रहा है और साथ ही साथ कैसे क्वेश्चन आए ये भी आपको पता हो गया। हर बार तरह फिर वही कहूंगा कि फिर अभी आपके पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, फिर मैं अपने सारे क्वेश्चन देता हूँ ना, फटाफट एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। पहले एनटीपीसी की तो स्थिति को समझ लीजिए कि उनका ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है। आज की क्लास से शुरुआत करें। अब तक आपको याद होगा कि 87 यानी एलजेब्रा के अंतर्गत मैं 87 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। आज शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 88 से। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट करिए। और हाँ, कोई स्टूडेंट अगर आज पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें कि भाई यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप देखिए आपकी सारी क्लासेस जा रही हैं। क्वेश्चन 88 क्या हुआ, यहाँ पे लिखा गया कि यदि ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2a-3 का होल स्क्वायर प्लस 3b-5 का होल स्क्वायर प्लस 4c-7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो आप सबको फाइंड करना होगा। तो अंडर रूट यहां लिख देता हूं मैं, अंडर रूट 4a+3b+4c का मान क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। उसके नीचे से आपका विकल्प है। बाकी आप सबको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप दोनों जगहों पर मैं पीडीएफ कंटिन्यू दे रहा हूँ, आपको मिल रहा है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें जरूर बताते रहिए, ठीक है। चलिए अब देखो, इस प्यारे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितना आसान सा प्रश्न है। एक बार देखो, आसान होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी तो है। तो फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ तो आपको चाहिए ए बी और सी की वैल्यू मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। बोलो भाई, अगर आपका काम हो जाएगा तो इस इक्वेशन को देखिए जो आपके पास दिया गया, एक ऐसी वैल्यू को पुट कर दो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके बराबर 0 कर दे। तो मैंने आप सबको ये सिखाया कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो ये समझ के करना कि 2a²-3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो अगर आप स्क्वायर को हटा दोगे तो यानी ये हो जाएगा आपके पास 2a-3 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ से a बराबर लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 3/2, ठीक है। इसी प्रकार से 3b-5 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यानी अगर हम a की वैल्यू 3/2 रख दें तो ये भी 0 0 0 बराबर 0 हो गया प्रूफ। ऐसी रेस्टेंट्स a की वैल्यू आपने निकाली। फिर इसी स्टाइल पे ये कह दो कि चूंकि 3b-5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, माइनस के अंदर पक्षांतर करो, इसलिए b इज इक्वल टू 5/3
आपने बी की वैल्यू फाइंड कर ली। ऐसी फोर सी का यूज कीजिएगा तो फोर सी माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए सी बराबर सेवन बाई फोर। क्लियर है? आप तो मजे आएंगे। देखो ए बी सी तीनों की वैल्यू आपको पता हो गई, इसलिए अब आप सीधे आ जाओ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू। अगर अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो बहुत इजी है। अब आप कह देना इसलिए अंडर रूट यहाँ से हो जाएगा। मुझे बताओ ये फोर रहेगा ना भाई, फोर इंटू ए की वैल्यू कितना रखोगे, थ्री बाई टू, तो इंटू यहाँ करना थ्री बाई टू, ये वाला प्लस ले लेना, थ्री इंटू इस वी की वैल्यू कितना रखेंगे, फाइव अपान थ्री, तो मैंने लिखा फाइव अपान थ्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फोर सी है फ्रेंड्स, तो फोर इंटू देखो सी की वैल्यू आपके पास है सेवन अपान फोर, तो यहां से आप कर दीजिएगा कि सेवन अपान फोर हो जाएगा। ये देखो क्या कुछ यहाँ से कैंसिल होगा, नहीं होगा, क्या होगा, तो यहां से कम हम कर सकेंगे दो दूनी चार, बोलो थ्री से थ्री को कैंसिल कर दो, फोर से फोर को कैंसिल कर दो भाई। अब अगर हम यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका देखें दो तिया छः होगा, यहां से आपके पास फाइव आ जाएगा और प्लस ये कितना होगा सेवन होगा, छः पाँच ग्यारह और सात अट्ठारह हो जाएगा, तो यानी ये एट्टीन होगा, लेकिन ये अंडर रूट होगा। इसको तोड़ दोगे तो सबको पता है कि तीन त्रिके नौ दूनी अट्ठारह तो बराबर थ्री रूट टू, और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? आपको समझ में आ गया, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है, आराम से सिंप्लीफाई करिए, हम फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, ओके, सॉल्व हो गया क्या? तो अगर हो गया तो चलो भाई अगले क्वेश्चन के लिए फटाफट तैयार हो जाइए सारे लोग। और अब हम लोग अपनी क्लास के क्वेश्चन 90 की तरफ बढ़ेंगे। बस आराम से पढ़िए, आप एकदम ऑफलाइन स्टाइल में पढ़िए, आपको ये फीलिंग रहेगी कि नहीं मैं घर पे हूँ तो क्या हुआ, क्लास के अंदर ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और आपके सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे। बस ये सेक्शन पूरा हो तो अलग अलग टॉपिक जो आपकी डिमांड आ रही है लगातार, हम उस पर काम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 89। ये देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन क्या है दिया गया, लिखा हुआ है कि यदि 3x की पावर 4 माइनस a प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड यानी फैक्टर x माइनस 2 है तो a की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अब देखो भाई फिर एक प्यारा सा प्रश्न आ गया, अब इनको भी समझना पड़ेगा। अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो देखो ये जो आपका फैक्टराइजेशन थ्योरम है, गुणनखंड की प्रमेय है, हमने आपको सिखाया कि इसका एक फैक्टर क्या दिया गया, एक्स माइनस टू दिया गया। आपको जरा भी टेंशन मत लेना, बस ये कर दो कि चूंकि एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसका राइट हैंड आपको जीरो कर देना है, सो इसलिए एक्स इज इक्वल टू टू रखने पर, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये कर देने पर तुरंत आंसर आ जाएगा। अब जहां जहां एक्स मिलेगा वहां पे क्या पुट करना, वैल्यू टू। चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, इसलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, रिमेंबर योर टारगेट, आपका लक्ष्य ए की वैल्यू पाना है। तो अगर ए की वैल्यू पाना है तो मैं इसे अगर ये कह देता हूं कि चलो भाई पी एक्स, एक्स की जगह मैं टू लिख देता हूं इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस ये थ्री होगा इंटू टू की पावर कितनी लिख सकते हो फोर माइनस, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं ए प्लस टू इंटू यहां से क्या लिख दोगे टू की पावर कितनी थ्री, तो टू की पावर थ्री होगा माइनस, फिर यहां से करिएगा टू की पावर माइनस टू माइनस फोर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब देखो अगर आगे सिंप्लीफाई करोगे तो भाई दो की पावर चार का मतलब कितना होता है बोलो, तो दो की पावर चार यानी आपके पास सोलह आ जाएगा, और सोलह अगर होगा तो तीन गुणे सोलह करो, सोलह तीन अड़तालीस माइनस, ये हो जाएगा हमारे लिए ए प्लस टू
इंटू 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस 4 माइनस 4 होगा। अगली लाइन पे देखो, 16 तिया 48 होगा माइनस। रेस्टेंट इज 8 का मैं मल्टीप्लाई यहां और यहां दोनों जगह करा देता हूं। जब मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा 8a माइनस 8 दूनी 16 और माइनस ये हो जाएगा 8। ठीक है, आप जरा यहाँ ध्यान दे दें तो ये -16 -8 की मिलके -24 हो जाएगा, 48 से घटा लेना तो ये हो जाएगा 24 और -8a। अब इस केस में यहाँ p की वैल्यू x-2 = 0 था तो यहाँ हम 0 कर देते हैं इसको, चिंता मत करना। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 24 -8a = 0 के। अब इस 8a का इधर पक्षांतर बोले कर सकते हैं कि नहीं, आप कर सकते हो। तो मेरे भाई 8a = 24। अब यहां से 8 त्रिक 24, तो a की वैल्यू आराम से आपकी 3 आ गई। क्या आपको समझ में आ गया? ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, फटाफट ऐसे सॉल्व कर लीजिए, एक अच्छा सा प्रश्न था, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसे आप आराम के साथ सॉल्व करिए। सबका हो गया क्या? तो ठीक भाई, हमने आपसे कहा कि आप देखिए, अगर किसी को बहुत ब्रॉड लेवल पे पढ़ना है तो हमारी मैथ्स की फाउंडेशन बैच में आ सकता है, लेकिन जो आ सकता है वही आए जो आसपास प्रयागराज में रहता हो, जो दूर दराज, उसके माध्यम से मैं तो सदैव मिलता रहूंगा। आपको चिंता नहीं करनी, ना ही आने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप आ सकते हैं, ब्रॉड लेवल पर सीखना है, तो मॉर्निंग 8 बजे हमारी बैच चलती है रेगुलर, हमेशा के लिए हमारा समय फिक्स रहता है। दूसरी शाम को 4 बजे से रहती है, उसमें प्री मेंस हर लेवल के क्वेश्चंस आपको हम कराते हैं। जिनको नॉर्मल स्तर की मैथ सीखनी है, जैसे आपका UP SSSC का PET एग्जामिनेशन बेस है या CET का केवल आपको क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए हमारी बैच चल रही है शाम को 6 से 8, उसमें आप आ सकते हैं। फिलहाल ये प्रैक्टिस बैच निःशुल्क है और यहाँ यूट्यूब पर ही चलता रहेगा ये कंटिन्यू। आगे हम आपकी क्लास का टाइमिंग भी बढ़ाने वाले हैं, बस थोड़ा ये चलता रहे, आपका सपोर्ट बने रहना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा तो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ। और आप सभी याद रखना कि 2021 आपके लिए स्वर्णिम वर्ष है, क्योंकि इस साल जो सिलेक्शन नहीं ले पाया बहुत पिछड़ जाएगा, खास तौर पे यूपी से संबंधित जितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि आपका आगे चुनावी वर्ष है तो वैकेंसियों की बहार होगी, इस बहार में आप भी लाभ उठा लीजिए। ठीक है ना, चलिए अब हम अपनी क्लास के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, 90 नंबर। तो एलजेब्रा का 90वां नंबर का प्रश्न आ गया। यहां लिखा क्वेश्चन है, यदि एक्स और 1/x ब्रैकेट में है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 का एवरेज यानी औसत पी है तो एक्स क्यूब और 1/x³ का एवरेज यानी औसत क्या होगा? एवरेज, अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सिंप्लीफाई करना होगा। क्वेश्चन तो सबने लिख लिया, एक अच्छा सा प्रश्न है, छोटा ही सही, बढ़िया है। आप सब हमें ध्यान दें कि अगर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूं, अब इससे तो घबराना नहीं भाई कि एक्स की वैल्यू हमें 0 नहीं लेना, तो हम कहां लेने ही जा रहे हैं, नहीं ले रहे भाई, हम सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करें। तो मुझे बता दो, एक्स प्लस 1/x लिखोगे, औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है। तो अगर इसका एवरेज पी है तो इसका जो योगफल होगा तो बराबर क्या 2p लिख पाओगे आप लोग? भाई औसत होता है एक्स प्लस 1/x/2 = p, तो एक्स प्लस 1/x = 2p, राइट? ये तो आपने निकाल लिया जो आपको गिवन पॉइंट से जो आपको दिया गया है, बट आपका जो टारगेट है वो x³ + 1/x³ है, तो चिंता करने की बात नहीं है, इसके हम दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। तो यानी जिसे कहते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स CBS कर दो। अगर आप इसका CBS कर दें तो निश्चित तौर से a + b का क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा a³ +
बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है 3 ab, तो एक्स 1/x कट जाएगा इंटू ए प्लस बी, अब बराबर 2 × 2 = 4 × 8 पी क्यूब, बोलो हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स अगर अब इसे सिंप्लीफाई करते हो तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, बोलो एक बार, यहाँ से 2p है, अच्छी बात है, ये आपका लक्ष्य है, तो आप इसे बचा लो, कह दो कि इसलिए यक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर, ये हो जाएगा 8p³। डियर फ्रेंड्स ये 2p और 3 को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 = 6, 6p उधर लेके चले जाओ, 8 6p हो जाएगा, होगा, लेकिन आपको तो एवरेज बताना है, तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होगी, इसलिए आप कहोगे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, यानी इसके बराबर, ये हो जाएगा 8p³ - 6p/2k, बोलो भाई। ऐसा ना किया जाए कि इसे हम लोग 2 से काट दें, तो यहां से 4p³ और -2 × 3 = 6, 3p आ जाएगा, और ये है आपका आंसर। आराम से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, किसी को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका वैसे भी एक लेवल है, तो इस नाते इस क्वेश्चन को फटाफट आप सिंप्लीफाई कर लें, हम आगे चलें। क्या सॉल्व हो गया सबका? ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग तुरंत, और मैं अब आपका देखूंगा आपकी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 91 आपके लिए है, तो देखता हूँ कि 91 में क्या लिखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 91 ये है भाई आपका, लिखा है कि यदि 5x² - 6x - 5 = 0 है, 0 है तो यहां से होगा यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब एक प्रश्न आपके पास फिर आया अलजेब्रा का, देखो इस अलजेब्रा के कैसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे, अगर इस प्रश्न के बारे में बात करना है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, भाई साहब से मिलिए, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा, सोचो सोचो। सोच लिया, क्या सोच लिया, ये हमें तो पहले से ही पता है, तो बस अब कह दो कि भैया ठीक है बाहरों आ जाओ। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं इसे 5x² और -5 = 6x लिख दूँ, कोई डाउट आपको? होना भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ इस x को डिस्टेंट इधर भगा दो, हे चल इधर, तो अगर ये x इधर आएगा तो देखो इसके बटे होगा, एक पावर घट जाएगी, तो ये हो जाएगा 5x - 5/x = 6, बोलो चलेगा? अब अगर कहो तो मैं 5 को कॉमन ले लूं, ले लिया, एक्स माइनस 1/x = 6, लक्ष्य नजर आने लगा ना, ठीक है, अब यहां से बता दो इसलिए एक्स माइनस 1/x = 6/5 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन आपको तो उसका स्क्वायर चाहिए ना डियर फ्रेंड्स, तो अगर स्क्वायर चाहिए तो टेंशन की क्या बात, अब इसे लिख सकता हूं एक्स माइनस 1/x² तो भाई इसका भी पावर कर दो, तो ये हो जाएगा 6/5 की पावर 2, इसे सिंप्लीफाई करो, 6 × 6 = 36, 5 × 5 = 25, सो आपका आंसर कितना होगा, 36/25 होगा, समझ में आ गया? ठीक है, जल्द से जल्द कॉपी करिए ताकि मैं मिटा दूं, और हाँ सब लोग मस्त होके पढ़ रहे हैं ना, हाँ जी, याद रखना पढ़ाई में बहुत मजा की आवश्यकता नहीं होती है, इंटरेस्ट लाना होगा, फीलिंग लेके आनी होगी, अपने आप को सेलेक्ट होते हुए देखना होगा, और अगर आपको खुद को सेलेक्ट होते हुए देख पा रहे हो तो फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक भी नहीं सकता, अगर नहीं देख पा रहे हो तो कम से कम किसी और की निगाहों से देखो, मेरी ही निगाह से देख लो कि आपको कैसे करना चाहिए इन चीजों को, ठीक है? ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, देखो 92 नंबर क्या है, 92 नंबर में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, लिखा है गिवेन, यानी
दिया है क्या w इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू जीरो तथा जेड इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो क्वेश्चन है टू एक्स ब्रैकेट में w माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी। आपको याद होगा इस पैटर्न क्वेश्चन कई बार आया, कई पारियों में आया, एनटीपीसी पीछे की वीडियोज में भी आप देखें तो बार बार केवल यही बदला गया जो आपको फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज लगभग बार बार सेम दी जा रही। तो यानी क्वेश्चन इनका फेवरेट रहा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधे आप रखो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या है, टू एक्स डब्लू माइनस जेड। सारी वैल्यूज तो हमें पता है, हमें सोचने नहीं है। बोलो x की वैल्यू कितनी है, थ्री, तो लिखोगे टू इंटू थ्री, ब्रैकेट में w की वैल्यू कहाँ गई भाई, w ये रहा माइनस टू, तो यहाँ लिख देना माइनस टू, और z की वैल्यू माइनस वन बाई टू है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई टू। सिंप्लीफाई करो तो ये क्या होगा, दो तीया छः, और यहाँ होगा दो दूनी चार, माइनस फोर प्लस वन अपान टू। बोलो लिख सकते हो सब लोग, तो एक्चुअली ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिक्स इंटू यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस थ्री अपान टू, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिक्स, यहाँ से ले लेंगे तो आपके पास ये कितने होने वाला है, क्षेत्रिक अट्ठारह, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास माइनस एटीन, माइनस एटीन बाई टू, तो ये हो जाएगा दो नवा अट्ठारह, करेक्ट आंसर आ गया माइनस नौ, माइनस नाइन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, झट से हम आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 अब हम डिस्कस करेंगे। सब लोग फटाफट कॉपी करना भाई, ताकि हम आपके लिए आगे बढ़ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 सब लोग देखिए कि 93 नंबर पे हमें क्या करना है। 93 पर एक क्वेश्चन दिया, सरल करें, क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय है 2 की पावर माइनस 1 बराबर क्या। अब देखो ये घातांक से जुड़ा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न बट देख लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक रूल सिखाया हूँ क्या, बोलो ना, ए की पावर यम अपान ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर यम माइनस एन। ठीक, इसी रूल का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग। तो क्वेश्चन मार्क बराबर होगा 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर माइनस 1। इस रूल का प्रयोग करो तो बराबर 2 की पावर 4 ये माइनस दोनों मिलके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यह बराबर 2 की पावर हो जाएगा 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32, ये आपका आंसर है। ठीक है, चले आगे। ओके भाई, तो सारे लोग फटाफट कॉपी कर लो, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दें और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। आप सारे लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 94 अपनी क्लास का 94 नंबर का प्रश्न आ गया, जहां लिखा है कि 7x प्लस 3x ब्रैकेट में x माइनस 4 को सरल कीजिए। अभी तो फिर बहुत आसान सवाल आया, तो फटाफट लूट लो भाई, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखोगे, 7x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 चौक 12x, बोलो होगा। अब इसे हम पहले लिख देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा, माइनस 5x, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए ये अगर हो गया हो तो चलो मैं अगले क्वेश्चन पे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जरा 95 देख लो आप लोग कि 95 एक बेहतरीन सवाल, इसे मिटा के लिखता हूं मैं, तब जाके हो सकेगा। अगर मैं आप सबका ये 95 नंबर का क्वेश्चन लूं, देखो 95 में लिखा ये है कि यदि x अपान 3x स्क्वायर प्लस
टेन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन 37 है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, यह आपका क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने में समय लगेगा, तो चलिए फटाफट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखिए ऐसे, सबसे पहले इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा कितने के, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 37x। अब आप यहाँ से एक काम कीजिए, इस 37 को इधर बुला लीजिए, तो नो डाउट आपके पास यह हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस आके माइनस होगा कितना, 27x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बोलो चलेगा। अब ऐसा करो, इस माइनस 27 के इधर पक्षांतर कर दो, तो ये देखो हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 3 इज इक्वल टू 27x। इस x का अब इधर पक्षांतर करो भाई, तो देखो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 27। फ्रेंड्स यहाँ से आप क्या करें, 3 को कॉमन ले लें, तो x प्लस 1 अपॉन x बराबर 27 के होगा। आप यहाँ से 3 से इसे कैंसिल कर दो, 3 नवा 27, तो ये होगा x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 9 के। अब आप क्या करो, आपको क्यूब चाहिए तो इन दोनों का घन कर दो, तो यानी क्यूबिंग बोथ साइड्स, CBS कर दीजिएगा, ठीक है। CBS करोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, x क्यूब